नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग J2 जो डेड कंडीशन में है। हम वीडियो को छोटा बनाने के लिए पहले से ही खोल के रखे हैं और इधर में जो बैटरी कनेक्टर है इधर में थोड़ा सा शॉर्ट दिखा रहा है, मगर इतने में भी ऑन नहीं होने का चांसेस रहता है। और हम उसके बाद सब छोटा छोटा जो जितना भी पूरा बोर्ड का पोर्शन है वो हर जगह हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं पे शॉर्ट है या नहीं है। तो हम जब चेक कर रहे थे तो इधर में थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई दे रहा है जो कैमरा के पास, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इधर में शॉर्ट दिखा रहा है तो इसको हम निकाल देंगे एक बार फिर से चेक करने के बाद। डेड कंडीशन में अगर बोर्ड आता है आपके पास, उसका हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करना पड़ेगा। आपका बैटरी कनेक्टर से लेकर ऊपर तक, ये जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट था, उसको हमने निकाल दिया। निकाल देने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा जो शॉर्ट है वो निकला है कि नहीं, और जो हमारा फ़ोन का डेड कंडीशन था वो सही हुआ कि नहीं। तो हमको बोर्ड को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद शॉर्ट फाइंड करना पड़ेगा। शॉर्ट आपको अगर मिल गया तो उसको पहले आप रिमूव करो, नहीं तो आप रिप्लेस करो। उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो 100% ऑन हो जाएगा। तो ऐसा जब आपका डेड कंडीशन आता है, वाटर डैमेज हो या फिर कुछ भी हो, तो आप आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले जो प्रॉब्लम को पकड़ना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम में काम करोगे तभी आपका फ़ोन बनेगा। नहीं तो आप इधर उधर काम करोगे तो आपका फ़ोन बनने का चांसेस कम है। तो हमने रिमूव कर दिया उस कैपेसिटर को। उसके बाद हम चेक करेंगे पावर सप्लाई देकर कि हमारा जो फ़ोन है ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अच्छे से लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्ट जो था वो तो उधर में कैपेसिटर निकलने के बाद बोर्ड में शॉर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो अभी ठीक है। तो ऐसे में हमारा फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए था। उसके बाद हम बोर्ड को दूसरी तरफ कर लेंगे, दूसरी तरफ शायद कुछ शॉर्ट निकल जाए, तभी हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। ये 100% अगर आपका बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट नहीं मिलता है तभी भी आप बोर्ड को पूरा चेक करिए। तो इधर में आप देख रहे हो कि इधर में थोड़ा सा वाटर जाने के कारण इधर में पूरा सल्फर आ गया है, और इधर में हम चेक करेंगे कि इधर में कौन सा कैपेसिटर हो या फिर कुछ भी हो शॉर्ट है कि नहीं है। तो ये सैमसंग J2 है और हम इसको थिनर से क्लीन करेंगे अभी। तो हमने इसको अब अच्छे से क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के बाद जो टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करके अभी चेक करेंगे कि इधर में किसी भी कैपेसिटर या फिर कुछ भी कॉइल शॉर्ट है कि नहीं। तो अच्छे से चेक करने के बाद अगर किसी में शॉर्ट दिखाई देगा तो उसको हम निकाल देंगे। निकाल देने के बाद हमारा जो फ़ोन है वो 100% ऑन हो जाएगा, हमारा जो शॉर्ट है वो निकल जाएगा। आपको अच्छे से चेक करना है, बारीकी से चेक करना है, एक एक को चेक करना है। जब आप चेक नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा। बोर्ड का दोनों तरफ चार्जिंग पिन से लेकर ऊपर तक हर जगह आपको चेक करना है। तो और आप अगर चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप एक अच्छा बोर्ड रखिए आपके पास, तो उसको चेक करना कि उसका जो कैपेसिटर है वहीं पे वो शॉर्ट आपको बताता है कि नहीं बताता है। तो हमने आपको एक अच्छा बोर्ड में से दिखा देंगे कि ये हमारा जो अच्छा बोर्ड है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा जो अच्छा बोर्ड है तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा बता रहा है, और ये जो हमारा जो शॉर्ट बोर्ड था ये इधर में शॉर्ट बता रहा है। तो हम इसको निकाल देंगे ट्वीज़र के मदद से, हम इसको निकाल देंगे। निकाल देने के बाद एक बार हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारा जो शॉर्ट है वो 100% निकल गया है। ठीक है, और उसको एक बार कंफर्म करने के लिए आप इसको अब शॉर्ट किलर का एक बार से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका पूरा केस सॉल्व हो गया फिर भी एक बार शॉर्ट किलर को यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं भी आप
तो एक बार हम शॉर्ट किलर का यूज़ कर देंगे। पावर सप्लाई में हमने चेक कर लिया कि इसके बाद हम इस बार शॉर्ट किलर का यूज़ कर लेंगे। और यूज़ करके कंफर्म होने के लिए आपको एक बार शॉर्ट किलर यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। कि अगर किसी भी जगह छूट गया है आपसे तो ये शॉर्ट किलर से आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप पहली बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वाटर डैमेज वैमेज कुछ है कि नहीं। तो उसके बाद हम आपको इसको ऑन करके दिखा देंगे कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होगा कि नहीं होगा। तो हम इस पर डिस्प्ले लगा लेंगे। डिस्प्ले लगाने के बाद आपको चेक करके अच्छे से दिखा देंगे कि हमारा जो फ़ोन का काम है वो हो गया कि नहीं हो गया। हम इसको लगा लेते हैं। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो लिटरली दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दो। आप देख सकते हो 19,000 लोग क्लिक करता है, उसमें से 1,300 लोग ओनली देखता है। और सबसे दुखजनक बात ये है कि उनमें से आपको 8 लोग ही सब्सक्राइब करता है। तो आप सब्सक्राइब करो यार, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो ये जो हमारा फ़ोन है ये ऑन हो चुका है, और हमारा जो डेड कंडीशन था वो पूरा ओके हो चुका है। अभी फ़ोन ये पूरा ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।